नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स। मैं हूं पल्लवी। बाजार पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं हॉट स्टॉक्स में आज खास क्या रहने वाला है। ICICI प्रूडेंशियल के आईपीओ का आज दूसरा दिन था, कैसा रिस्पांस रहा बताएंगे आपको, और साथ ही फेड रिजर्व और बैंक ऑफ जापान की बैठक से पहले बाजार में क्या रणनीति आपको रखनी चाहिए, इस पर बातचीत होगी। आज खबरों में कौन से शेयर्स रहे, यानी कि आज के सेशन में कहां पर आपने मुनाफा कमाया, और कल के दिन यानी कि कल के ट्रेडिंग सेशन में कहां पर कमाई हो सकती है। लेकिन सबसे पहले आज का बाजार। फेड रिजर्व की बैठक से ठीक पहले एक प्रेशर आज की मार्केट्स देखने को मिला। सुस्त शुरुआत हुई, लेकिन उसके बाद गिरावट बढ़ी और जल्द ही निफ्टी 8800 के नीचे फिसल गया। लेकिन 8750 एक अहम सपोर्ट रहा, ये स्तर आज के सेशन में नहीं टूटा। इंटरडे में सेंसेक्स ने 28500 का स्तर कुछ समय के लिए तोड़ा, लेकिन कारोबार खत्म होने पर 28523 के आसपास क्लोजिंग हुई। निफ्टी लगभग 32 अंक गिरकर 8776 के लेवल्स पर क्लोज हुआ। आज के सेशन में रियल्टी, ऑटो, FMCG शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली। वहीं मेटल्स की बात करें, केमिकल्स की बात करें या फिर फार्मा शेयरों की, वहां पर आज के सेशन में खरीदारी आई। शुगर स्टॉक्स आज भी मिठास कायम रही, कल के सेशन में भी तेजी थी। इसके अलावा ऑटो पैक में पर्टिकुलरली टाटा मोटर्स की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में JLR रिकॉर्ड की खबर के बाद ओवरऑल ऑटो पैक पर थोड़ा प्रेशर आज के सेशन में देखने को मिला है। लेकिन इस मौजूदा बाजार में कहां आपको दाम लगाना चाहिए, पसंदीदा स्टॉक्स कौन से, आइए एक्सपर्ट्स की राय सुनते हैं। TVS और टाटा मोटर्स इस पे बुलिश हैं। हम लोगों को लगता है कि एक लॉन्ग टर्म बुलिश साइकिल में है ये स्टॉक्स, और अच्छा खासा रिटर्न निवेशक को मिल सकता है करंट लेवल से भी। रही बात करेक्शन की, जरूर करेक्शन आ सकता है थोड़ा बहुत, और ये करेक्शन एक अच्छा ट्रेंड है, बीच बीच में करेक्शन होना भी चाहिए। पर आई थिंक ओवरऑल जो डायरेक्शन है स्टॉक्स के, ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, ओवरऑल जो पोटेंशियल है, उसको अगर नजर में रखें तो आई थिंक वी शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट फॉर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। आई थिंक दीज आर एक्सेलेंट बाइस। So some of the PSU banks will be large beneficiaries of this, और जिसमें SBI is a stock which we are very positive on. In the medium term, we believe that if investors can sort of, you know, see a price of around 300 rupees, if one is willing to take a 12 to 15 month stance in SBI. Overall, I think in the banking space, हमारा मानना है कि Yes Bank और some of the retail focused banks like HDFC Bank and IndusInd Bank should form part of the core portfolio. हमने देखा है कि यस बैंक में आफ्टर द QIP इशू काफी कटौती आई है, लेकिन स्ट्रक्चरली आई थिंक द बैंक हैज प्रिस्टीन एसेट क्वालिटी, वेरी स्ट्रांग ग्रोथ इन निम्स, एंड हमारा मानना है कि एट एवरी डिप्स इन्वेस्टर्स मस्ट लुक एट बाइंग मोर इनटू यस बैंक शेयर्स। एक्सपर्ट की राय आपने सुनी। ऑटो में भले ही गिरावट है, लेकिन बुलिश लग रहे हैं सुदीप बंदोपाध्याय, और मौजूदा स्तरों पर ऑटो में निवेश किया जा सकता है। साथ ही बैंकिंग को लेकर भी SBI एक अच्छा विकल्प होने लगता है। लेकिन आज के आईपीओ अपडेट आपको दे दें, ICICI प्रूडेंशियल के आईपीओ का आज दूसरा दिन था और सेकेंड डे पर इशू लगभग 52% तक सब्सक्राइब हुआ है। इशू कल तक खुला हुआ, यानी कल इसका आखिरी दिन होगा। देखना होगा कि रिस्पॉन्स कैसा रहता है। काफी चर्चा में है ये आईपीओ, क्योंकि पिछले 6 साल में देखें तो कोल इंडिया के बाद ये सबसे बड़ा आईपीओ होने जा रहा है। लगभग 6000 करोड़ की राशि ICICI बैंक से जुटाएगा, और जो पूरी की पूरी प्रोसीड्स है वो ICICI बैंक को मिलेंगे, यानी बड़ा बेनिफिशियरी ICICI बैंक होगा। इसका प्राइस बैंड यानी ICICI प्रूडेंशियल के आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 300 रुपये से 334 रुपये प्रति शेयर रखा गया है। देखना होगा कल के दिन कैसा रिस्पॉन्स रहता है। सो फार 52% का सब्सक्रिप्शन आज के सेशन में देखने को मिला है। और आज के सेक्शन में कुछ चुनिंदा स्टॉक्स ऐसे थे जो काफी ज्यादा छाए रहे खबरों की वजह से, जहां पर अच्छी तेजी देखने को मिली है। उनमें से एक स्टॉक है शैरॉन बायो। शानदार तेजी आज के सेशन में दिखी, ऑलमोस्ट डबल डिजिट रिटर्न्स आज के सेशन में शैरॉन बायो ने दिखाए हैं। इनफैक्ट कंपनी को के जो तालुजा प्लांट है उसको USFDA से मंजूरी मिली है, जिसके बाद हमने देखा कि अपर सर्किट पर जाकर स्टॉक क्लोज हुआ। साथ ही लक्स इंडस्ट्रीज, यहां पर कंपनी का धंकुनी प्लांट अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है, ये स्टेटमेंट आज के सेशन में आया, जिसकी वजह से एक अच्छी मजबूती स्टॉक में देखने को मिली। लगभग 17.5% की बढ़त के साथ स्टॉक आज क्लोज हुआ है। कैस्ट्रॉल आज फोकस में था, BP ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेच दी है और ब्लॉक डील के जरिए यह हिस्सेदारी बिकी है। लगभग 8.7% इक्विटी का सौदा इस ब्लॉक डील के जरिए हुआ है, और टोटल 4.5 करोड़ के आसपास शेयरों के 6 बड़े सौदे आज के सेशन में हुए। जो भाव रहा वो 440 से 455 प्रति शेयर का था। रियल्टी स्टॉक्स में भी आज के सेशन में एक अच्छा मूव देखने को मिला। कोल्टे पाटिल वन ऑफ द रियल्टी स्टॉक्स, जहां पर एक अच्छा मूव देखने को मिला। लगभग 7% तक की तेजी के साथ रिहाई पर कोल्टे पाटिल का स्टॉक क्लोज हुआ। जो कोल्टे पाटिल का JV है उसने पुणे में अपना रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट पूरा किया है,
और प्रोजेक्ट जो है मार्गोसा हाइट्स, ये प्रोजेक्ट पूरा किया है। इस खबर के बाद स्टॉक में एक अच्छा स्पाइक देखने को मिला। आज भी यूनाइटेड ब्रिवरीज का शेयर चर्चा में रहा। हैंकन कल भी इसने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई थी यूनाइटेड ब्रिवरीज में, और आज के सेशन में भी गिरवी शेयर कंपनी ने खरीदे हैं। शुक्रवार को आपको बता दें येस बैंक से इसने हिस्सेदारी यूनाइटेड ब्रिवरीज में खरीदी थी, तो मौजूदा जो हैंकन की हिस्सेदारी है वो अब बढ़ी, और आज के सेशन में एक स्पाइक भी देखने को मिला। यूनाइटेड ब्रिवरीज ऑलमोस्ट 883 के लेवल्स पर आज के सेशन में क्लोज हुआ है। हमारे साथ प्रदीप सुरेखा जुड़े हैं आज के एक्सपर्ट। प्रदीप, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कुछ स्टॉक्स का जिक्र मैंने यहाँ पे किया, आज मिड कैप्स में बाइंग थी जिनमें शेरन बायो, लक्स इंडस्ट्रीज, कैस्ट्रॉल शामिल है, साथ ही कोल्टे इनमें किसी पर आप कमेंट देना चाहेंगे? और साथ ही फेड रिजर्व की बैठक भी होनी है, बैंक ऑफ जापान की बैठक से जो फैसले आ सकते हैं खासतौर पर रिलीफ पैकेज को लेकर, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? मार्केट क्या इस हफ्ते थोड़ा वोलेटाइल ही रहने की आशंका है? प्रदीप जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ जी। एक बार सवाल फिर से दोहराइएगा पल्लवी जी। बिल्कुल प्रदीप जी, सबसे पहले तो मार्केट पर आपका एक कमेंट चाहेंगे। मार्केट में आज एक कॉशियसनेस देखी हमने, प्रेशर रहा थ्रू आउट द डे, और इनफैक्ट 8750 का स्तर वो नहीं टूटा लेकिन 8800 के नीचे आज की क्लोजिंग रही है। कल के दिन फेड रिजर्व की तरफ से क्या इंडिकेशंस आएंगे, और ओवरऑल इस वीक में भी कई बड़े ट्रिगर्स हैं, बैंक ऑफ जापान का भी मीट इस हफ्ते शेड्यूल्ड है, क्या इंपैक्ट आप देख रहे हैं इंडियन मार्केट्स पर? देखिए, इंडियन मार्केट में एक बात तो हमको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि जिस तरीके से लिक्विडिटी ड्रिवन रैली थी, इसमें हम 9000 के आसपास आ गए, और बार बार कई बार मैं भी आपके चैनल पे बोला हूँ और फंडामेंटल भी बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ इस 8900-9000 को वैल्यूएशन सपोर्ट नहीं कर रहे, जिसके कारण हम थोड़ा सा ऊपर के लेवल पर टिक नहीं पा रहे हैं, और ये एक टाइम वाइज करेक्शन के अंदर में बाजार खड़ा हुआ है। इतने बड़े इवेंट है, इसमें देखिए मोटा मोटी ये बात समझ में आ रही है कि फेड की तरफ से तो कोई भी समाचार हमको मिलेगा नहीं, ना अच्छा ना बुरा। फेड तो शायद इस बार का इवेंट, जैसी वहाँ पे भी रेटिंग आ रही है और बाकी लोग भी समझ रहे हैं, तो फेड का इवेंट तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। हाँ, एक जापान की तरफ हमको ज़रूर देखना पड़ेगा। और अपने मार्केट पे हम फिर से टेक्निकल बात करें पल्लवी, तो कहीं ये समझ में आ रहा है कि इस दौर के अंदर अब ये कहीं 8850-8870 एक बार शॉर्ट टर्म के लिए रेसिस्टेंस बन गया, और ये एक टेक्निकल चार्ट पे जिसको हम लोअर टॉप बोलते हैं वो बन चुका, लेकिन फिर भी नीचे बहुत अच्छा सपोर्ट हम 8750-8770 या अब हर 25 पॉइंट पे नीचे की हम बात भी करें तो मेरे को लगता है जब तक 8700 के ऊपर है तब तक शायद बाजार फिर से कंसोलिडेशन में रहेगा। हाँ, 8700 के नीचे कुछ चिंता बढ़ेगी, 8870 के बाद एक फिर से हम मूव थोड़ा सा देख सकते हैं, जिसमें ऊपर के लेवल पे जाने के बाद हम कितना सस्टेन करेंगे ये आने वाला वक्त ही बताएगा और हमको भी वाच ही करना पड़ेगा। इनफैक्ट प्रदीप, आज के सेशन में ऑटो पैक में काफ़ी आज प्रेशर देखने को मिला, बीट हीरो मोटोकॉप, बजाज ऑटो या फिर टाटा मोटर्स, सब में प्रेशर था और न्यूज़ फ्लो भी काफ़ी था। हीरो मोटोकॉप के संदर्भ में खबर आई कि कंपनी यूज टू व्हीलर सेगमेंट में उतर सकती है, और बजाज ऑटो की तरफ से कुछ प्राइस हाइक को लेकर स्टेटमेंट्स आए, कुछ 3 मॉडल्स के जो प्राइसेज हैं वो बढ़ाए हैं बजाज ऑटो ने। ओवरऑल फेस्टिव सीजन है, उसको देखते हुए ऑटो पर आपके क्या आउटलुक बन रहा है? देखिए, बजाज ऑटो ने प्राइसिंग लेने की एक चेष्टा करी है तो वो कोई बुरी बात भी नहीं है। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि फेस्टिव सीजन है और फिर ये 7th पे कमीशन की रिपोर्ट है, मानसून है, तो इन सब का असर ये टू व्हीलर फोर व्हीलर की सेल के ऊपर में आने वाले समय में पॉजिटिव ही दिखेगा। तो इसमें तो यही बोल सकते हैं कि बजाज ऑटो ने एक साहसिक कदम तो उठाया है, और प्राइसिंग इनके हाथ में अगर थोड़ी सी भी सेल में इनको लगेगा तो ये दूसरी तरफ से या तो डिस्काउंट ऑफर कर देंगे या इस प्राइसिंग को वापस ले लेंगे, तो मैं इस प्राइसिंग बढ़ाने को कोई नेगेटिव नहीं देख रहा हूं। हाँ, हीरो मोटर टू व्हीलर में आएगा तो कोई बात नहीं है, जैसे मारुति भी नए मॉडल ला रहा है और हीरो मोटर भी अगर एक्सपेंशन करता है तो ये भी कोई बुरा बात नहीं है। मैं आज के दबाव को सिर्फ एक करेक्शन के तौर पे देख रहा हूं, और या फिर मैं यही कह सकता हूं कि बहुत ज्यादा बढ़ गया था जैसे टाटा मोटर, हीरो ऑटो, तो ऊपर की तरफ पे थोड़ा दबाव इनमें आने वाले समय में भी देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, इसमें एक एडिशन है कि बजाज ऑटो की तरफ से जो प्राइसेस में चेंज का स्टेटमेंट आया उसमें 2 मॉडल्स की कीमतें घटाई भी हैं। चलिए, खैर, हमारे साथ इस वक्त संजय वैती जुड़े हैं मुंबई से, पहले दर्शक हैं। नमस्कार संजय, बताइए क्या सवाल है आपका? मैंने यूफ्लेक्स बाय किया है 230 पे,
यूफ्लेक्स की बात कर रहे हैं आप? शॉर्ट टर्म के निवेशक है, लंबा नहीं सोच रहे हैं 2 महीने के लिहाज से। प्रदीप, क्या कोई टारगेट्स आप इन्हें सजेस्ट करेंगे? मुनाफा इन्होंने कमाया है, क्या कोई स्टॉप लॉस भी इन्हें आप सजेस्ट करेंगे, कहाँ पर लगाए? देखिए, यूफ्लेक्स में अगर हम देखें तो एक मूवमेंट तो बहुत अच्छा ही बना हुआ था और इस दौर के एकदम टॉप के ऊपर में ही ट्रेड कर रहा था। कल भी इसने एक नया हाई इस दौर का बनाया, आज थोड़ा सा करेक्शन जरूर हुआ है। तो मैं इनको कहूँगा इस तरीके के स्टॉक से और इस तरीके के मोमेंटम में निकलने की कोई हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर इसके अंदर में आप अपने मुनाफे को कहीं लॉक करना भी चाहते हैं तो आज कहीं ये 285 के आसपास बंद हुआ है, आप 255 या 260 यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा करके वेट कीजिए। मेरे हिसाब से दोबारा से ये स्टॉक अगर कल के हाई को क्रॉस करता है, इसको क्रॉस करने में हो सकता है 1 या 2 दिन लग भी जाए, लेकिन मोमेंटम और ट्रेंड में कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं दिखलाई दे रही है, तो आप निकलने की हड़बड़ी मत कीजिए। लॉक करने के लिए जरूर 255-260 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। चलिए, अगले दर्शक हैं हमारे साथ फोन लाइन पर, आरएन तिवारी जो कि भोपाल से हैं। नमस्कार मिस्टर तिवारी, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है? मैडम गुड इवनिंग जी, बताएं। मैडम हमारे पास 75 शेयर्स हैं SBI के। ये मैडम जो अभी पिछली बार मार्केट में हैवी फॉल आया था उससे पहले के हैं। ओके, तो उसमें कुछ शेयर हमारे पास 300-1500 के हैं, मतलब एवरेज प्राइसिंग हमारी 280 के आसपास आ रही है। तो अभी हमें होल्ड करना चाहिए या फिर इससे एग्जिट हो जाना चाहिए? ऑलराइट, जैसा कि आपने बताया अलग अलग स्तरों पर आपकी खरीद है और जो एवरेज प्राइस है 280 के लेवल्स के आसपास है। आप अपनी एंड से क्या सोच रहे हैं, आप कितना समय इसमें रुकना चाहते हैं, क्योंकि लॉस आपको हो रहा है 254 आज की क्लोजिंग है, आप कितने महीने वैसे दे सकते हैं? एक्चुअली मैं लॉस में इसको नहीं जाना चाह रहा हूँ, होल्ड कर सकता हूँ मैं इसको? ठीक है, लॉस रिकवर हो जाए इनका मेन कंसर्न यही है प्रदीप। इनकी बाइंग 275 ऑर्डर लेवल्स के, 280 लेवल्स से, जैसा कि उन्होंने बताया एवरेज जो इनकी बाइंग प्राइस है। इनफैक्ट अगर हम चार्ट को देखें प्रदीप, तो फरवरी ऑनवर्ड्स एक अपट्रेंड ही इसमें देखने को मिला, रिकवरी वहां से दिखी और इनफैक्ट रिसेंटली ही इसने 271 का एक हाई भी लगाया था 7th of September, यानी कि लास्ट वीक ही। इन स्तरों पर क्या सलाह देंगे, 280 की खरीदी है, क्या करना चाहिए फिलहाल? देखिए, केवल स्टेट बैंक की बात करें पल्लवी, तो इसमें कहीं भी कोई भी दिक्कत अब नज़र नहीं आ रही है और पूरे PSU सेक्टर में भी बात करें तो कहीं भी दिक्कत नहीं आ रही है। सब स्टॉक अपने टॉप से 5-7% नीचे या कोई तो टॉप के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन का फेज है। एक देखिए, सबसे बड़ी बात, निवेशक बोलिए या ट्रेडर बोलिए, दो बातें बहुत कमजोरी अपने लोगों के बीच में होती है। एक तो जब हम ऊपर में फंस जाते हैं तो फिर उसका स्टॉप लॉस नहीं काट करके उस स्टॉक को दोबारा उस प्राइस के आने का इंतजार करते हैं। खैर चलिए, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया कोई बात नहीं थी, दोबारा फिर जब आपके प्राइस से बहुत नीचे ये स्टॉक मिल रहा था और आपको ये उम्मीद थी कि आपके भाव आएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको इस स्टॉक को एवरेज करना था, वो भी आपने नहीं किया। अब जो तीसरी सबसे बड़ी गलती और ये कॉमन जो सब लोग कर लेते हैं, वो यही करते हैं कि आपका, जैसे आपने बताया 270-280 का भाव है, आपने नीचे 150 भी देख लिया, एवरेज भी कर लिया, और ये देखिए मेरे अनुभव से बताता हूँ, 95% बोलूँगा तो भी ठीक है और अगर मैं 98% बोलूँ तो भी ठीक है कि 280 के भाव आते आते तक लोग स्टेट बैंक को बेच देंगे और वहाँ से स्टेट बैंक 330 हो जाएगा। तो इस बार आप ये सब गलतियाँ मत कीजिए, मेरे को लगता है आपका ये ट्रेड मुनाफे में ज़रूर बदलेगा। तो या तो अगर ये स्टेट बैंक इस बार 245 तोड़ दे तब आप इस लॉस को बुक करिए, और अगर लॉस बुक नहीं करना चाहते हैं तो नीचे एवरेज कीजिए, और एक बार अगर इस बार ये 280 के ऊपर निकला तो आपका ट्रेड प्रॉफिट में आ जाएगा। उस समय मेरे को लगता है 310-315 के भाव आपको जरूर देखने के लिए मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो फिलहाल बने रहने की सलाह आपको दी जा रही है। हमारे साथ इस वक्त प्रसाद शर्मा जुड़े हैं मुंबई से। नमस्कार प्रसाद जी, पूछिए क्या सवाल है? मेरे पास HDFC के 100 शेयर है 253 के रेट पे, और KEI 100 शेयर वो 119 के रेट पे, 119 KEI आपने बताया 119, NBCC 253। यस ठीक है, ऑलराइट, अगर आप स्पेसिफाई कर पाए कि कितने समय के लिए आपने इन दोनों में बाय किया है? 3 to 6 मंथ
3 to 6 months का नजरिया है. ओके, लेट्स टॉक अबाउट एनबीसीसी फर्स्ट. आज के सेशन में 253 क्लोजिंग रही है और इनफैक्ट इनकी बाय प्राइस के ऑलमोस्ट वहीं पर ही इनफैक्ट ये है. तो अगले 3 से 6 महीने का अगर नजरिया रखा जाए प्रदीप, तो क्या टारगेट्स आप इन्हें सजेस्ट करेंगे एनबीसीसी के अंदर? देखिए, इनका अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तो भी इनको घबराना नहीं चाहिए, और अगर इनका इन्वेस्टमेंट का नजरिया है तो भी नहीं घबराना चाहिए. बहुत अच्छी सरकारी कंपनी है, कोई सर कंपनी के ऊपर में कर्जा नहीं है, कोई बहुत बड़ी लागत में कंपनी बैठी नहीं है, मुनाफे का काम ही कर रही है. और अभी जो कल परसों एक न्यूज और आई है कि जितनी भी घाटे की सरकारी कंपनियाँ हैं उनके पास जितनी भी जमीन पड़ी है उस जमीन को मैनेज करके बेचने का काम ये करेंगे, जिसमें इनको 0.5% की कमीशन मिलेगी. और टेक्निकल चार्ट की भी अगर बात करूं तो ये जो 245 और 253 की एरिया है ये एक ब्रेकआउट की एरिया है. यहाँ पे स्टॉक बार बार 253-55 के ऊपर जाने के बाद सस्टेन नहीं कर पा रहा है, लेकिन आप देखिए उसके बाद नीचे भी नहीं गिर रहा है. मेरे हिसाब से आप इसको होल्ड करिए. इस बार स्टॉक 255-258 के ऊपर थोड़ा भी सस्टेन कर गया तो आपको इस स्टॉक में आने वाले दिनों में 300 तक के भाव जरूर देखने के लिए मिल सकते हैं. इनफैक्ट इन्होंने KEI इंडस्ट्रीज पे प्रदीप अपना सवाल पूछा था, और इनफैक्ट हम देख रहे हैं फेब्रुअरी ऑनवर्ड्स 86 के लोअर से ये इनफैक्ट 129 तक भी गया है. इनकी जो बाइंग है KEI में वो ऊपरी स्तरों पर है, 119 रुपए पर इन्होंने खरीदा है. अब इन स्तरों पर आप क्या सलाह देंगे, क्या करना चाहिए इनको? फिलहाल इन्हें थोड़ा नुकसान हो रहा है, 114 आज की क्लोजिंग रही है KEI इंडस्ट्रीज में. देखिए पल्लवी, अभी अभी इस दौर पे हम 8900 से लेके 8700 के बीच में किसी भी स्टॉक की अगर बात कर रहे हैं तो कुछ गिने चुने स्टॉक को छोड़ दीजिए, तो नहीं तो प्राय मिड कैप की बात करिए या लार्ज कैप की बात कीजिए, सभी स्टॉक ने इंडेक्स के साथ साथ आउट परफॉर्म दिया है और सभी ये 8900 के करेक्शन में थोड़े थोड़े से अपनी हाइस से नीचे सभी स्टॉक देखने के लिए मिल रहे हैं. TI की बात ही करें, KEI की सॉरी, तो इसमें भी वही चीज़ दिखलाई दे रही है, लेकिन इनको यही सलाह दूंगा 110 के नीचे निकल जाने के बाद आपको इस स्टॉक से निकल जाना पड़ेगा. ऊपर देखिए जहाँ पे आपकी प्राइस है वही अब एक बार स्टॉक के लिए रेसिस्टेंस बना हुआ है. जी, यानी आपकी खरीद क्योंकि ऊपरी स्तरों की है तो एक स्टॉप लॉस आपको एक्सपर्ट सजेस्ट करें 110 का. अगर ये स्टॉक फर्दर अगर गिरता है तो यहाँ से निकल जाना ही आपके लिए बेहतर होगा. आज के सेशन में लगभग 0.25% की बढ़त KEI में देखने को मिली है. इनफैक्ट आज के सेशन में कई और स्टॉक्स थे जो काफी ज्यादा फोकस में थे. कैस्ट्रॉल एक स्टॉक है, इनफैक्ट प्रदीप आपसे एक राय भी चाहेंगे. कैस्ट्रॉल के अंदर एक बड़ी ब्लॉक डील हुई है और स्टॉक ने आज के सेशन में एक अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है, लेकिन अगर इसका हम पिछला परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 2 साल में ये अपनी कैटेगरी में कह सकते हैं कि एक अंडर परफॉर्मर रहा है. आप क्या आउटलुक दे रहे हैं कैस्ट्रॉल इंडिया पर मौजूदा स्तरों पर अगर किसी को खरीदारी करनी हो? आज के सेशन में ऑलमोस्ट 40 रुपीज के मूव के साथ ये 462 के लेवल्स पर क्लोज हुआ है. देखिए कैस्ट्रॉल एक ऐसा स्टॉक है पल्लवी जो शायद ट्रेडर के लिए तो बहुत फैंसी नहीं है. हाँ, F&O में आ गया तो जो भी जॉबर या ट्रेडर एक मौका जरूर ढूंढते हैं. आपकी ये बात सही है कि बहुत अंडर परफॉर्मर भी रहा है, लेकिन मैं दूसरे शब्दों में ये कहूँ कि ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस इस स्टॉक में थी नहीं, और जिस तरीके से आज ब्लॉक डील होने के बाद जो हिस्सा इसका सलट गया, मेरे हिसाब से 2 या 3 चंक में इनकी पेरेंट कंपनी ने अपना सारा माल निकाल दिया, तो अब कोई बड़े सेल ऑफ की इस काउंटर के अंदर में उम्मीद करी नहीं जा सकती है. और आज जिस जगह से इसने बाउंस लिया है, ये 400-425 की एरिया एक बहुत अच्छी एरिया थी जहां से बाउंस आना चाहिए था. ठीक है, मैनेजमेंट ने जो प्राइस डिस्काउंट किया था कि इस प्राइस पे बेचेंगे, उससे ऊपर जाकर के डील हुई और कोई ना कोई बायर भी आया है. इसके फंडामेंटल भी देखेंगे तो बहुत अच्छी लुब्रिकेंट कंपनी है और बहुत प्रीमियम सेगमेंट के अंदर में ये लोग काम करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट के लिए बोल सकता हूँ ये स्टॉक अच्छा रहेगा. ट्रेडर के लिए थोड़ी सी दिक्कतें इस टाइप की इसमें देखने मिल सकती है. इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एक अच्छा स्टॉक हो सकता है कैस्ट्रॉल. आज के सेशन में एक अच्छा मूव भी देखने को मिला, खबर भी थी इसके भी चलते कि ब्लॉक डील के जरिए लगभग 8.7% इक्विटी का सौदा हुआ और BP ने हिस्सेदारी इसके अंदर बेची है. इनफैक्ट कुछ और स्टॉक्स थे आज जो खबरों में थे, जैसे कि हमने शुरुआत में जिक्र किया शेरोन बाय का ऑलमोस्ट अपर सर्किट पर क्लोज हुआ है. छोटे फार्मा काउंटर्स पर क्या राय रख रहे प्रतीप आप, और शेरोन बायो इस पर आप क्या सलाह देंगे? आज के सेशन में ऑलमोस्ट 20% की तेजी के साथ स्टॉक क्लोज हुआ है.
कि इस स्टॉक को ट्रैक नहीं करता हूं तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं बोल सकूंगा, लेकिन पूरे फार्मा सेक्टर में एक बात पिछले 15-20 दिनों से जो समझ में आ रही है और बीच बीच में अभी 2-4 दिनों से फिर न्यूज़ भी आ रही है कि ये सारे फार्मा स्टॉक की पिटाई हुई थी पल्लवी की, सबके यूएस एफडीए के इंस्पेक्शन इनके प्लांट पे थे, और अब खबरें ये आ रही है कि एक बार इनके सारे प्लांटों पे प्रायः मैक्सिमम कंपनियों के प्लांट इंस्पेक्शन का काम पूरा हो गया और अब आने वाले कई महीनों तक ये इंस्पेक्शन दोबारा से नहीं होगा जब तक कि कोई बहुत बड़ी कमी इनमें नहीं दिखलाई देती है। तो इनसे आपको यही उम्मीद लगानी चाहिए कि इन सेक्टर में अब एक बॉटम का प्रोसेस शुरू हो गया है और ये बॉटम प्रोसेस होने के बाद इन सब सेक्टर के अंदर में एक अच्छी बढ़त हमको आने वाले दिनों में देखने मिलेगी। तो उसमें जिनके फंडामेंटल थोड़े स्ट्रांग होंगे वैसे मिड कैप और छोटे स्मॉल कैप के फार्मा सेक्टर में भी आप आने वाले दिनों में थोड़ी तेजी जरूर देख पाओगे। ऑलराइट, अगला सवाल हमें एसएमएस के जरिए आया है और ये भेजा है हरमीत सिंह ने, यूपीएल पर जानना चाह रहे हैं। इनकी खरीद जो है 200 शेयर्स की है, 350 और लेवल्स पर इन्होंने खरीदारी की हुई है। ये तो क्लियर नहीं है इनके एसएमएस से कि कितने समय के लिए खरीद रहे हैं, लेकिन यूपीएल पर इन स्तरों पर क्या सलाह दे रहे हैं आप प्रदीप? अपने यूपीएल की बात कर रहे हैं ना, जिसका भाव अभी 700 है। हाँ, 679 आज की क्लोजिंग। आज केमिकल शेयरों में तेजी थी लेकिन यहाँ पर उल्टा ट्रेंड देखने को मिला। यूपीएल की क्लोजिंग आज नीचे हुई है लगभग 2.5 रुपए की कमजोरी के साथ। नहीं, थोड़ी कमजोरी आप जरूर बोल सकते हैं पल्लवी, लेकिन इसका अगर आप टेक्निकल चार्ट देखो तो जिस तरीके से ये स्टॉक मार्च से या उसके पहले से एक मोमेंटम गेन करते हुए ये ऊपर की तरफ जा रहा है, पीछे घूम के बिल्कुल भी नहीं देख रहा है। अभी भी स्टॉक ने 700 के ऊपर का एक हाई लगाया और आज थोड़ा सा बाजार के साथ में 10-20 रुपये का करेक्शन दिया। हम एक टेक्निकल चार्ट में पूछ ले कि जब स्टॉक करेक्शन में आता है तो पिछले लो को नहीं तोड़ता है जिसको हायर लो बोलते हैं, और दोबारा पुलबैक में नया हाई बनाता है जिसको हायर हाई बोलते हैं। उस तरीके का पैटर्न इस चार्ट में अभी भी है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हुए इसमें बने रहिए। ऑलराइट, फिलहाल इसमें बने रहने की सलाह आपको दी जा रही है। ड्यूरिंग द डे हमने आपको अलग अलग स्टॉक्स बताए। फास्ट 50 सेगमेंट में जुबिलेंट फूड में बिकवाली की सलाह आपको दी गई थी। इंटरडे में आपको लगभग 6% का रिटर्न स्टॉक ने दिलाया। साथ ही फास्ट 50 के दौरान ही तिलक नगर इंडस्ट्रीज का स्टॉक आपको बाय करने के लिए बताया गया था, यहां पर इंटरडे में 6% का रिटर्न आपको देखने को मिला है। फास्ट 50 के तहत आपको पीवीआर का स्टॉक बताया गया था जहां पर 1200 के टारगेट खरीदारी के लिए दिए गए थे। इंटरडे में यहां पर भी 4% से ज्यादा का मुनाफा आज के सेशन में आपको मिला है। चलिए फिलहाल इतने ही स्टॉक आज शामिल कर पाएंगे। शुक्रिया प्रदीप आपका कीमती समय देने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपके एंड से? देखिए, जिस लाइन पे आपके साथ डिस्कस करता हूँ, आपके दर्शकों को सलाह देता हूँ, उसी लाइन पे अपने क्लाइंट के साथ सारे स्टॉक को डिस्कस करते रहता हूँ और उनको राय देते रहता हूँ।